Hey guys, एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने आपकी फेवरेट वीडियो यानी संडे स्पेशल वीडियो लेकर, जिसमें सभी डॉग स्पीड का पहले से काफी प्राइस कम हो चुका है। तो अभी आप लोगों के पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस वीडियो के थ्रू डॉग्स को परचेज करने की, क्योंकि अगर आप लोग सिंगल वीडियोस देखोगे ना तो उनमें आप लोगों को प्राइस थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। लेकिन भाई संडे स्पेशल वीडियो जानी इसलिए जाती है कि इसमें सभी डॉग स्पीड का प्राइस तो कम मिलता ही है, साथ में आप लोगों को फ्री अडॉप्शन डॉग्स भी मिलते हैं। जी हां गाइस, फ्री के बिना संडे स्पेशल वीडियो अधूरी सी लगती है। तो आप लोगों को हमेशा की तरह आज भी आप लोगों को फ्री में डॉग मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि कौन से डॉग फ्री के लिए हैं, कौन से अडॉप्शन के लिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड सबसे पहले बात करते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट डॉग ब्रीड के बारे में, जिसका नाम है बुल्ली कुत्ता। जी गाइस, ये जो बुल्ली कुत्ता पपीज है इनका प्राइस पहले से काफी कम हो चुका है एंड क्वालिटी देखिए, क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। एंड पपीज जो है ना, ये होम ब्रीडिंग के हैं। अगर आप लोग चाहो तो लाइव वीडियो कॉल पर भी देख सकते हो। तो पपीज जो है ये काफी अच्छी क्वालिटी में है एंड काफी हैवी बोन भी। तो अगर आप लोगों को क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना तो आप लोग बेफिक्र होकर इन पपीज के लिए जा सकते हैं। वैसे पपीज काफी अच्छी ब्लड लाइन से भी है। मदर जो है ये ओल्ड टाइगर ब्लड लाइन से है एंड फादर जो है ना वो डायरेक्ट इम्पोर्ट के ग्रैंडसन है और उसकी जो हाइट है वो 35 इंचेस है। लेकिन जो पेरेंट्स की फोटो वीडियोस है वो आप लोगों को ओनर से पर्सनली कॉन्टेक्ट करके लेनी होगी। तो आई एम श्योर आप लोग काफी एक्साइटेड हो रहे होंगे कि यार पपीज का अब प्राइस क्या होने वाला है। तो आप लोगों को बता देता हूँ, पपीज जो है ये 42 डेज के हो चुके हैं एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है पुणे महाराष्ट्र से। डिलीवरी ऑफकोर्स आप लोगों को इन पपीज पर मिल जाएगी और वो भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में। एंड फाइनली अगर इनके प्राइस के बारे में बात करें तो गाइस, उन्होंने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 18,000 पीस 18,000 रुपए एंड फीमेल की है जस्ट 12,000 पीस यानी सिर्फ 12,000 रुपए। एंड इस प्राइस में भी आप लोग बार्गेनिंग कर सकते हो। सो नेक्स्ट बात करते हैं लेब्राडोर पपीज के बारे में। गाइस, ये जो पपीज आप लोग देख रहे हैं ये आप लोगों को हमारे पास से मिल जाएंगे क्योंकि इनका लीटर हमारे पास से हो रखा। इनके अलावा आप लोग कोई भी डॉग ब्रीड परचेज कर सकते हो। वैसे इसके अलावा घर पर एक लीटर और भी है, वो है फ्रेंच मैस्टिफ का। तो अगर आप लोग फ्रेंच मैस्टिफ भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोग जानते हैं कि तुम्हारा भाई सभी डॉग ब्रीड में काम करता है और वो भी जेन्युइन क्वालिटी में। तो किसी भी डॉग ब्रीड को परचेज करना चाहते हो तो एक बार आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप लोगों को टॉप क्वालिटी बेस्ट प्राइस में मिल जाएंगी। बिकॉज सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप लोगों की पेमेंट बिल्कुल सेफ रहती है, फ्रॉड होने के कोई चांसेस नहीं होते। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली थी यार, उस बंदे ने 2-3 लोगों के साथ फ्रॉड कर दिया। तो गाइस पपीज में आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे क्योंकि लीटर काफी बड़ा हुआ है, तो इसी वजह से आप लोग डायरेक्ट आकर देखोगे तो और भी बेटर है। तो ये जो लेब्राडोर पपीज है ये 27 डेज के हो चुके हैं एंड जो फ्रेंच मैस्टिफ है वो 25 डेज के। तो फ्रेंच मस्टिफ में से 2 मेल तो बुक हो चुके हैं, अभी 2 मेल अवेलेबल हैं और 3 फीमेल्स हैं, तो आप लोग उन्हें भी बुक करके रख सकते हैं। और अगर आप लोग लेब्राडोर लेना चाहते हैं तो ये पपीज की एज तो मैं बता ही चुका हूँ 27 डेज, और हमारी जो लोकेशन है वो है दिल्ली NCR से। आप लोग डायरेक्ट आ कर लो या फिर आप लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी कराओ, दोनों ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल है। एंड फाइनली लेब्राडोर के प्राइस के बारे में बात करें तो इनमें जो मेल का प्राइस है वो है 10,000 पीस 10,000 रुपए एंड जो फीमेल का है वो है 8,000 पीस यानी 8,000 रुपए। एंड वही पर फ्रेंच मैस्टिफ की बात करें तो फ्रेंच मैस्टिफ मेल का प्राइस 22 एंड फीमेल का प्राइस 20,000। एंड और किसी भी डॉग ब्रीड के लिए आप लोग तुम्हारे भाई से कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं जर्मन शेफर्ड के बारे में, जो कि सुपर क्वालिटी के पपीज हैं और इनमें भी आप लोगों को मेल फीमेल दोनों मिल जाएंगे। एंड गाइस ये जो पपीज है ना ये एना की फीमेल के पपीज हैं। जी हाँ गाइस, एना इनकी नानी है। अब मोस्टली लोग तो जानते हैं कि एना कौन है, लेकिन भाई जो नए यूजर्स है ना उन्हें मैं बता दूं कि एना मेरी जर्मन शेफर्ड है जो कि मेरे घर पर ही है। तो गाइस इन जर्मन शेफर्ड पपीज में से कुछ पपीज तो सेल हो गए थे लेकिन कुछ पपीज अभी बाकी हैं और उन्होंने इनका पहले से प्राइस भी कम कर दिया है। तो अब जो इन्हें परचेज करेगा ना तो उनको डबल फायदा होने वाला है, क्योंकि पहले वाले तो ये कहेंगे यार कि अगर हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते ना तो हमें पपीज और भी कम प्राइस में मिल जाते। वैसे गाइस नो डाउट क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, क्वालिटी में तो आप लोगों को कोई कंप्लेंट नहीं आने वाली। एंड पपीज का जो फादर ना वो KCI रजिस्टर्ड है लेकिन जो मदर है वो नॉन KCI है। सो गाइस अगर इन जर्मन शेफर्ड पपीज की एज के बारे में बात करें ना तो ये पपीज 40 डेज के हो चुके हैं एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है लश्कर ग्वालियर मध्य प्रदेश से। आप लोग डायरेक्ट जाकर परचेज करोगे तो और भी बेटर है, नहीं तो ओनर आप लोगों को सिलेक्टेड एरियाज में डिलीवरी भी प्रोवाइड करा देंगे एक्स्ट्रा चार्ज पर। एंड फाइनली अगर प्राइसिंग की बात करें तो प्राइस पहले से काफी कम हो चुका है, तो अब ओनर ने जो इनके प्राइस की डिमांड की ना वो मेल की है 11,000 पीस 11,000 रुपए एंड फीमेल की है जस्ट 10,000 पीस यानी सिर्फ 10,000 रुपए। एंड ये प्राइस भी फिक्स नहीं है मेरे भाई। सो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं बुल मस्टिफ के बारे में। जहाँ पर मस्टिफ लग जाता है आप लोग जानते हैं कि वो ब्रीड काफी भारी भरकम होती है, तो आज मैं बात कर रहा हूँ बुल मस्टिफ के बारे में जो कि एक फीमेल है। गाइस अगर आप लोग इस फीमेल को परचेज करते हो ना तो इसमें आप लोग को 2 फायदे होने वाले हैं। एक तो इस फीमेल का प्राइस बहुत कम है एंड दूसरा फीमेल जो है ना ये ओनिट है, तो आप लोग इसे अभी क्रॉस कराकर सिर्फ 2 महीने में अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो नॉर्मली जो बुल मस्टिफ आप लोगों को मिलते हैं वो 12-15 हजार रुपए के आसपास मिलते हैं, लेकिन ये आप लोगों को हाफ से भी कम प्राइस में मिल जाएगी। तो गाइस अगर
टेम्परामेंट की बात करें तो फीमेल बिल्कुल फ्रेंडली है, कोई भी परचेज कर सकता है, क्योंकि काफी लोग डरते हैं बड़े डॉग को परचेज करने से कि कहीं ये काट वाट ना ले, लेकिन ऐसी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। वैसे गाइस ये जो बुल मस्टिफ फीमेल है ना, ये फुल्ली रिजल्ट प्रूफ है, बिकॉज ये ऑलरेडी 2 बार पपीज को जन्म दे चुके हैं। तो अगर इसकी एज के बारे में बात करें तो ये 2.5 साल की हो चुके हैं, वैक्सीनेशन कम्प्लीट है, एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है बदरपुर बॉर्डर दिल्ली NCR से। आप लोग डायरेक्ट जाकर भी परचेज कर सकते हो, नहीं तो ओनर आप लोगों को डिलीवरी भी प्रोवाइड करा देंगे एक्स्ट्रा चार्ज पर। एंड फाइनली अगर प्राइसिंग की बात करें तो ओनर जो इसके प्राइस की डिमांड की ना, वो के जस्ट 6,000 रुपीज, यानी सिर्फ 6,000 रुपए। एंड दोस्तों इस प्राइस में भी आप लोग बारगेनिंग कर सकते हो, डेफिनेटली प्राइस और भी कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं एक काफी तगड़ी क्वालिटी के अमेरिकन बुली के बारे में। दोस्तों ये जो अमेरिकन बुली है ना, आप लोग देख रहे हो यार कितना खतरनाक लगता है, कितनी तगड़ी क्वालिटी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, ये ओडाइज में है, जो कि भाई काफी यूनिक सी चीज है इस ब्रीड के अंदर। वैसे ये चीज आप लोगों को साइबर स्कीम में तो इजिली मिल जाते हैं, लेकिन किसी और डॉग ब्रीड में नहीं। तो भाई अगर आप लोगों को दूसरे से कुछ हटके रखना, कुछ यूनिक रखना, तो आप लोग इस अमेरिकन बुली के लिए जा सकते हैं। वैसे डॉग का टेम्परामेंट बिल्कुल फ्रेंडली है, हेड साइज देखिए बहुत हैवी है, मसल काफी भारी भरकम है, एंड उन्होंने इसका प्राइस भी पहले से बहुत ज्यादा कम कर दिया। वैसे डॉग जो है ना फुली रिजल्ट प्रूफ है, उन्होंने एज ए स्टेट सर्विस के लिए रखा हुआ था। और अगर आप लोग भी इसे एज ए स्टेट सर्विस रखते हैं तो आप लोगों को पता ही है कि ऐसी यूनिक चीज से मेटिंग कराने के अच्छे खासे पैसे चार्ज कर सकते हो। और भाई ये चीज तो सब जानते हैं, जब किसी की फीमेल हीट पर आती है तो वो चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी हमारी फीमेल के लिए हम लोग ढूंढ कर लेकर आए, तो वो आप लोगों के सामने है। वैसे इन ओनर से भी आप लोग कॉन्टेक्ट करके अपनी फीमेल की मेटिंग करा सकते हो जब तक ये डॉग सेल नहीं होता। तो गाइस अगर इसकी एज के बारे में बात करें तो ये काफी यंग है, 1.5 साल का हो चुका है, एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है बैरोट बागपत उत्तर प्रदेश से। आप लोग डायरेक्टली जाकर इसे परचेज कर सकते हो, क्योंकि ओनर जो है वो आप लोग को डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करा सकते। एंड अब जो इसके प्राइस की डिमांड ओनर ने की है ना यार, वो के जस्ट 25,000 रुपीज, यानी 25,000 रुपए। वही देखो क्वालिटी को देखते हुए अब प्राइस बिल्कुल परफेक्ट है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से बात करते हैं जर्मन शेफर्ड के बारे में। दोस्तों ये जो जर्मन शेफर्ड है ना, ये आप लोगों को और भी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। वैसे वो पीस की क्वालिटी देखे, ये वो पीस भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, और पेरेंट्स की फोटो वीडियोस आप लोगों को पर्सनली मिल जाएंगी। तो अगर आप लोगों का बजट 10,000 रुपए से नीचे का है तो आप लोग इन पपीज को कंसीडर कर सकते हो। वैसे ओनर का तो कहना है कि लॉन्ग कोट के हैं, पर जहाँ तक मेरा आइडिया है यार पपीज डबल कोट में लग रहे हैं, लेकिन परचेज करने से पहले आप लोग पेरेंट्स को देख लोगे तो आप लोगों को अंदाजा भी हो जाएगा। वैसे दोस्तों संडे स्पेशल वीडियो के लिए मैं इतनी सारी मेहनत करता हूँ कि मुझे 3-4 घंटे कंटिन्यूसली वीडियो बनानी पड़ती है। तो इस बात पर आप लोग वीडियो पे एक लाइक कर दें, क्योंकि भाई आप लोगों के एक लाइक से मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी ऑल पर कर लो, ताकि सभी वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। तो वही जर्मन शेफर्ड एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉग ब्रीड है। आई मीन इनका जो नेचर होता है ना भाई, फैमिलीज के लिए इतना प्यारा होता है कि मैं बता नहीं सकता। पूरा दिन आप लोगों के साथ खेल सकते हैं, क्योंकि काफी प्लेफुल डॉग्स होते हैं और फैमिलीज के लिए काफी प्रोडक्टिव भी है। और इनकी सबसे खास बात पता है क्या, आप लोग इजिली इन्हें बहुत सारी चीजों के लिए ट्रेन कर सकते हैं, इसमें आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। वैसे ये जो जर्मन शेफर्ड पपीज है, ये 2 मंथ्स के हो चुके हैं, एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है मेरठ उत्तर प्रदेश से। डायरेक्ट जाकर परचेज करना होगा, क्योंकि भाई डिलीवरी आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। एंड प्राइसिंग की बात करें तो गाइस ओनर ने जो अब इनके प्राइस की डिमांड किया ना, मेल की के 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए, एंड फीमेल की के जस्ट 6,000 रुपीज, यानी सिर्फ 6,000 रुपए। एंड दोस्तों इसमें भी आप लोग बारगेनिंग कर पाओगे। एंड भाई लोग अब जिस डॉग ब्रीड के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ ना, इनका तो सीधा सीधा हाफ प्राइस कम हो गया है। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ पिटबुल के बारे में, जो कि एक बहुत ही फेमस डॉग ब्रीड है। तो अगर आप लोगों को पिटबुल रखने का शौक है और आप लोग पपीज ढूंढ रहे थे, तो आप लोगों को कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के थ्रू आप लोग इन पपीज को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि भाई पपीज एक्सीलेंट क्वालिटी में और प्राइस उतना ही कम, तो आप लोगों को और चाहिए क्या। बाकी अगर आप लोग चाहो तो कहीं और भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ भाई, मेरे चैनल पर जो वीडियोस का जो पपीज का प्राइस होता है ना, उसे कोई भी चैनल वाला बीट नहीं कर सकता। तो ये जो पपीज है ना, ये भी भाई होम ब्रीडिंग के मदर के पास से आप लोग डायरेक्ट उठा सकते हैं, या फिर आप लोग वीडियो कॉल पर भी देख सकते हैं, सभी ऑप्शन अवेलेबल है। तो भाई वेट मत करो यार, फटाफट डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट करो इन पपीज को परचेज करने के लिए। वैसे इनकी मैं बाकी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा देता हूँ, आई मीन इनकी एज, प्राइस और लोकेशन। तो अगर इन पपीज की एज के बारे में बात करें ना, तो पपीज 35 डेज से ऊपर ही हो चुके हैं, एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है सीतापुर उत्तर प्रदेश से। एंड डिलीवरी आप लोगों को यहाँ पर भी नहीं मिल पाएगी, आप लोगों को डायरेक्ट ओनर को विजिट करना होगा, सभी पपीज को अच्छे से देखभाल करके इन्हें परचेज करना होगा, जो कि आप लोगों के लिए भी सबसे बेस्ट है। एंड फाइनली अगर अब इनके प्राइस की बात करें ना, तो अब ओनर ने जो इनके प्राइस की डिमांड की यार, वो मेल की के जस्ट 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए, एंड फीमेल की के जस्ट 4,000 रुपीज, यानी सिर्फ 4,000 रुपए। एंड इसमें भी आप लोग थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हो प्राइस कम कराने की। सो नेक्स्ट बात करते हैं वन ऑफ द ब्यूटीफुल डॉग ब्रीड के बारे में, जो कि दिखने में भी काफी यूनिक होते हैं, जिसे हम लोग दो नामों से जानते हैं, जिसमें से ज्यादातर लोग इन्हें वोडाफोन डॉग के नाम से जानते हैं, लेकिन एक्चुअल जो इनका नाम है वो है पग। तो गाइस ये जो पग है ना, इसकी क्वालिटी देखे यार, फेस पर और आप लोग इसकी बॉडी पर रिंकल्स देखे, जो कि लाजवाब है। एंड ये एक मेल पपी है, ओनर के पास एक ही बचा हुआ है, तो फटाफट आप लोग इसे परचेज कर सकते हो, वो भी डिसेंट से प्राइस में। तो क्वालिटी में आप लोग को जरा भी कॉम्प्रोमाइज
कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। एंड आप लोग इसकी एक्टिविटीज देखिए, पपी जो है ना काफी एक्टिव है, एंड ये जो है ना वह इनके पास आप लोगों को क्वालिटी हमेशा जेन्युइन मिलते हैं, ये कभी भी लो क्वालिटी में काम ही नहीं करते, एंड डिलीवरी भी आप लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेफली पहुंचा देते हैं। लेकिन भाई दूसरा ऑप्शन तो हमेशा आप लोगों के पास रहता ही है, वो है ओनर को विजिट करके परचेज करने का। तो पग एक स्मॉल साइज की डॉग ब्रीड है जो फैमिलीज के लिए परफेक्ट रहते हैं, ये गार्ड डॉग्स की कैटेगरी में नहीं आते। तो अगर आप लोगों को एक क्यूटेस्ट डॉग ब्रीड चाहिए, बच्चों के साथ खेलने वाली ब्रीड चाहिए, तो पग जो है ये आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर इस पपी की एज के बारे में बात करें ना, तो ये 45 डेज का हो चुका है, बिल्कुल पंच फेस में, उन्होंने फर्स्ट वैक्सीनेशन भी करवा दिया है। एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है दिल्ली NCR से। डिलीवरी के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड प्राइसिंग की बात करें ना, तो भाई पपी टॉप क्वालिटी का, तो ओनर जो इसके प्राइस की डिमांड किया वो के जस्ट 12,000 रुपीज, यानी सिर्फ 12,000 रुपए, लेकिन प्राइस में आप लोग बारगेनिंग कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं एंड एक बार फिर से बात करते हैं अमेरिकन बुली के बारे में। दोस्तों ये जो अमेरिकन बुली है ना, ये भी एक मेल डॉग है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये सेकंड ऑप्शन है अमेरिकन बुली को परचेज। वैसे उन्होंने इसके भी एज क्रॉप करा रखे हैं, सभी वैक्सीनेशन कंप्लीट है, एंड इसका जो टेम्परामेंट है ना वो भी बिल्कुल फ्रेंडली है। तो अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों को जिसकी क्वालिटी जिसका प्राइस अच्छा लगे आप लोग उसके लिए जा सकते हैं। वैसे गाइस ओनर का ये भी कहना है कि सिक्योरिटी के लिए भी आप लोग इसे कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि काफी अच्छे से सिक्योरिटी भी करता है। एंड वही पर अगर बात करें इसके साइज के बारे में, तो ये परफेक्ट पॉकेट साइज में है, जो कि एक काफी अच्छा कॉम्पैक्ट साइज माना जाता है। और दोस्तों अगर फिलहाल आप लोग इस डॉग से मैटिंग कराते हो ना, तो उसका प्राइस आप लोगों को बिल्कुल चीप देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने इस डॉग का ही प्राइस काफी कम रखा है, जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। वैसे अगर इसकी एज के बारे में बात करें, तो ये 2 years 10 months का हो चुका है, आई मीन ऑलमोस्ट 3 years का आप लोग कह सकते हैं, उन्होंने सभी वैक्सीनेशन कम्प्लीट करा रखी है। एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है बिजनौर चांदपुर उत्तर प्रदेश से, आप लोग डायरेक्ट जाकर इसे परचेज कर सकते हो, नहीं तो ओनर आप लोगों को अप टू 100 किलोमीटर तक डिलीवरी भी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन शायद आप लोगों को उस पर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एंड फाइनली अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें, तो ओनर जो इसके अप प्राइस की डिमांड किया ना वो के जस्ट 10,000 रुपीज, यानी सिर्फ 10,000 रुपए, एंड इसमें भी आप लोग बारगेनिंग कर सकते हो। सो गाइस पग को लेकर एक ऑप्शन तो आप लोगों को ऑलरेडी मिल ही चुका है, लेकिन ये आप लोगों के पास सेकंड ऑप्शन है इनके कलर को लेकर। और ये जो पपीज है ना, ये थोड़े से बड़े भी हैं, तो अगर आप लोग थोड़े से मेडल टाइप में लेना चाहते हैं, तो आप लोग इन पपीज को कंसीडर कर सकते हो। ओनर के पास ये मेल और फीमेल दोनों ही अवेलेबल है, और अगर आप लोग पेयर को साथ में लेते हो ना, तो उसमें आप लोगों को काफी अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इस पग में जो ब्लैक कलर ना वो थोड़ा सा रेयर होता है, और लोग इसे थोड़ा सा कॉस्टली भी मानते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग मेल को भी परचेज करोगे ना, तो वो भी आप लोगों को 10,000 पीस से कम में मिल जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को एक बेनिफिट और भी मिल रहा है, और वो ये है कि उन्होंने इनकी सभी वैक्सीनेशन कंप्लीट करा रखे, तो आप लोगों को रोज रोज डॉक्टर्स के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगेंगे। और जब आप लोग इन्हें परचेज करो, तो साथ में ओनर से इनका वैक्सीनेशन कार्ड भी ले लें, जिस पर आप लोगों को सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो गाइस अगर इन पपीज की एज के बारे में बात करें, तो 2.5 महीने के हो चुके हैं, एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है सेक्टर 3 द्वारका दिल्ली NCR से। डिलीवरी के बारे में मुझे कंफर्म नहीं है कि आप लोगों को प्रोवाइड करा पाएंगे या फिर नहीं, इस बारे में आप लोग डिस्कस जरूर कर लें। एंड प्राइसिंग की बात करें ना, तो उन्हें जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की 9,000 पीस 9,000 रुपए, एंड फीमेल की अभी सेम प्राइस है। तो आप लोग इस प्राइस में किसी को भी परचेज करो, लेकिन दोनों को एक साथ परचेज करते हो तो और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रॉटवेलर के बारे में, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंड हट्टी कट्टी डॉग ब्रीड है। एंड गाइस यहां पर भी आप लोगों को ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जो कि आप लोगों को पिछली ब्रीड्स में मिल रहे थे, आई मीन इसकी वैक्सीनेशन को लेकर, और आप लोगों को कोई खर्चा भी नहीं होने वाला। तो वैक्सीनेशन कंप्लीट है, एंड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, एंड इस एज के डॉग्स को काफी लोग परचेज करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि भाई इस एज के डॉग्स को परचेज करने के बाद उनकी मेहनत बहुत हद तक कम हो जाती है, और जो बीमार होने का खतरा होता है ना वो भी थोड़ा सा ज्यादा ही रहता है, क्योंकि अगर छोटे पपीज बीमार हो जाते हैं ना, तो उनकी ग्रोथ में थोड़ी बहुत रुकावट आ जाती है। वैसे दोस्तों ये लीटर का सबसे बेस्ट पपी था, और उन्होंने इसे खुद ही पालने की सोची थी, लेकिन भाई अभी कुछ रीजंस की वजह से उन्हें ये सेल करना पड़ रहा है। तो जिन लोगों को सिक्योरिटी के लिए काफी तगड़ी डॉग ब्रीड चाहिए ना, तो वो लोग इस डॉग को परचेज कर सकते हैं। वैसे आप लोग इसका कलर देखिए, भाई काफी डार्क है, और यही चीज रॉटवेलर में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। वैसे अगर इसकी एज के बारे में बात करें ना, तो ये 4 months का हो चुका है, कम्प्लीट वैक्सीनेटेड है, एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है लक्ष्मी नगर दिल्ली NCR से। डिलीवरी आप लोगों को सिलेक्टेड एरियाज में मिल जाएगी एक्स्ट्रा चार्ज पर, या डायरेक्ट जाकर घर पर परचेज करोगे ना तो और बेटर है। एंड फाइनली अगर प्राइसिंग की बात करें, तो उन्हें जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो के 17,000 पीस, यानी 17,000 रुपए, लेकिन प्राइस नेगोशिएबल है, बार्गेनिंग कर सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से बात करते हैं भाई काफी जानी मानी, यानी मेरी फेवरेट जर्मन शेफर्ड के बारे में। दोस्तों ये जो जर्मन शेफर्ड है, ये एक मीडियम कोट की फीमेल है, एंड भाई सेमी
एडल्ट है जिसके अभी तक फर्स्ट एड भी नहीं आई है एंड उन्होंने वैक्सीनेशन तो सभी कंप्लीट करा रखे हैं। तो इस चीज को लेकर आप लोगों को ना तो कोई खर्चा करना पड़ेगा ना ही कोई एक्स्ट्रा पैसे लगाने पड़ेंगे। तो फीमेल काफी एनर्जेटिक है एंड आप लोग क्वालिटी भी देखे, क्वालिटी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने प्राइस रखा ना उसके हिसाब से क्वालिटी A1 है। एंड यहाँ पर भी बात आती है टेम्परामेंट की, तो भाई आप लोगों को बता दूं कि जर्मन शेफर्ड इतने ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते कि बेवजह कभी किसी के ऊपर अटैक करें, फैमिलीज के लिए बहुत ही लॉयल होते हैं एंड दूसरे स्टैंडर्ड्स के लिए थोड़े अग्रेसिव होते हैं लेकिन अटैकिंग नहीं। तो अगर इस जर्मन शेफर्ड की एज के बारे में बात करें तो भाई ये फीमेल 8 मंथ्स की हो चुकी है, फर्स्ट ईट काफी जल्दी आने वाली है एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है श्री महावीर जी राजस्थान से एंड आप लोग डायरेक्ट जाकर ही परचेज कर सकते हो क्योंकि शायद ओनर आप लोगों को डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। एंड फाइनली अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो फीमेल काफी अच्छी क्वालिटी में, तो उन्हें जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो क्या है, जस्ट 8,000 पीस यानी सिर्फ 8,000 रुपए, लेकिन इस प्राइस में आप लोग बारगेनिंग कर सकते हो। तो भाई अब बात करते हैं हमारे फ्री अडॉप्शन के बारे में और आज जो डॉग मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं ना ये फर्स्ट टाइम मैं इस चैनल पर डाल रहा हूं क्योंकि भाई आज से पहले आप लोगों को इस डॉग की फ्री अडॉप्शन की वीडियो नहीं मिली थी, तो ये पहली बार होने जा रहा है जिसका नाम है लासा एप्सो। जी गाइस, ये जो लासा एप्सो है ये एक मेल डॉग है एंड ये 1.5 साल का हो चुका है। तो अगर आप लोग इसे फ्री में अडॉप्ट करना चाहते हैं तो कुछ बातें हैं जो कि मैं आप लोगों को पहले बताना चाहूंगा। तो भाई फ्री के लिए आप लोग पहली बात तो मुझे कांटेक्ट बिल्कुल ना करें क्योंकि मेरे पास कोई फ्री के डॉग्स नहीं होते, मैं सिर्फ वीडियो डालता हूं और उन ओनर्स का कांटेक्ट नंबर डाल देता हूं जिनके पास फ्री अडॉप्शन के लिए डॉग्स होते हैं। दूसरी चीज, आप लोग किसी को भी कोई भी पैसे डिपॉजिट ना करें क्योंकि टोटली फ्री वाले डॉग्स ना उनके ऊपर आप लोगों को कोई पैसे नहीं देने होते, ना ही टोकन मनी के नाम पे ना ही डिलीवरी के नाम पे, क्योंकि डिलीवरी तो आप लोगों को मिलती नहीं है फ्री अडॉप्शन के डॉग्स पर। और थर्ड चीज, अगर ओनर फोन नहीं उठा रहा या फिर उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है तो भाई उसके लिए भी आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट ना करें क्योंकि यार इतनी सारी कॉल्स चली जाती है ओनर कितनों को अटेंड करे। और अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा ना कि यार ऐसे ही फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं तो भाई कभी आप लोग अपने डॉग्स की फ्री में डलवा के देख लो, आप लोगों को खुद ही पता लग जाएगा। तो लासा एप्सो काफी क्यूट सी स्मॉल साइज की डॉग ब्रीड होती है जिन्हें आप लोग कहीं पर भी कंफर्टेबली रख सकते हो अगर आप लोग सिटीज के फ्लैट्स में रहते हो तो भी, एंड ये काफी अच्छा स्टड डॉग भी है। अब फ्री में देने का मुझे रीजन तो नहीं पता ओनर इसे फ्री में क्यों देना चाहते हैं, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा था तो आज ही ओनर का मैसेज आया था कि मुझे फ्री अडॉप्शन कराना है। तो अगर ओनर के मोबाइल के शुरू के 5 अक्षर की बात करें ना तो वो है 8 8 1 0 2, बाकी के 5 आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। और अगर बात करें इसकी लोकेशन के बारे में कि कहां जाकर आप लोग इसे अडॉप्ट कर सकते हैं तो भाई ओनर की जो लोकेशन है वो है सेक्टर 1 द्वारका दिल्ली NCR से, आप लोगों को डायरेक्ट ही जाना पड़ेगा क्योंकि डिलीवरी नहीं मिल पाएगी। और अगर आप लोगों को ओनर का नंबर समझ नहीं आया तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो क्योंकि वहां पर आप लोगों को इसका पूरा नंबर मिल जाएगा। तो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।